दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात। पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर को गोली मारकर भागे लुटेरे, एक को भीड़ ने दबोचा, दूसरा पुलिस के हत्थे चढ़ा। जयपुर में शुक्रवार सुबह झोटवाड़ा इलाके में पंजाब नेशनल बैंक में नकाबपोश बदमाश लूट की नीयत से घुस गए। इस दौरान उन्होंने बैंक लूटने का प्रयास किया। बैंक कर्मचारियों में दहशत पैदा करने के लिए उन्होंने कैशियर को गोली मार दी। इससे कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए। इस वारदात के बाद दोनों लुटेरे बैंक से भाग गए। उधर मामले की सूचना मिलते ही झोटवाड़ा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल कैशियर को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर शहर में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवा दी, जबकि बैंक में फायरिंग की आवाज के बाद भागते हुए लुटेरे में से एक को भीड़ ने दबोच लिया। इसके बाद पुलिस की धरपकड़ में दूसरा आरोपी भी धरा। बैंक खुलते ही नकाबपोश बदमाश घुसे कैशियर को गोली मारी। पुलिस ने बताया कि झोटवाड़ा इलाके में जोशी मार्ग पर पंजाब नेशनल बैंक में यह वारदात हुई है। इस दौरान सुबह 10 बजे बैंक खुलते ही नकाबपोश बदमाश अंदर घुसे, जहां उन्होंने बैंक लूटने का प्रयास किया। बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर कर्मचारियों को डराया। इस बीच बैंक कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने नरेंद्र सिंह शेखावत को गोली मार दी। गोली लगते ही नरेंद्र लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ा। इस घटना से बैंक के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। गोली चलने की आवाज से लोगों में फैली सनसनी। पंजाब नेशनल बैंक में नकाबपोश बदमाशों ने घुसने के बाद बैंक लूटने का प्रयास किया। इस दौरान विरोध करने पर बदमाशों ने कैशियर पर फायर कर दिया। गोली चलने की आवाज से बैंक के आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। कर्मचारियों को गोली मारने के बाद बदमाश बैंक से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि लोगों ने इनमें से एक बदमाश को पकड़ लिया है। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और कैशियर को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस बैंक के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की जानकारी लेने का प्रयास किया। उधर पुलिस ने राजधानी में ए श्रेणी की नाकाबंदी भी करवा दी है। दूसरा आरोपी भी पकड़ा गया। बैंक लूटने वाले दो आरोपियों में एक को लोगों ने पकड़ लिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने भागने वाले दूसरे आरोपी को भी दबोच लिया। दोनों की पहचान हो चुकी है।